हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिन के अवसर पर, जो इस उत्सव में कल जन्माष्टमी था तो आप सब अभी तक थके हो गए, तो कृतज्ञ हैं कि आप सब आज यहाँ पे आए हैं। हम प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में आज चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज प्रभुपाद जी के जीवन पर किस तरह से वे कृष्ण से आदान प्रदान कर रहे थे और कैसे इस जगत में कार्य कर रहे थे, जब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम जब इस जगत में होते हैं तो एक तरह से हम यहाँ पे जगत में कार्य कर रहे हैं, और जगत में कार्य कर रहे हैं तो हमें जगत से कुछ प्रतिसाद मिल रहा है। ये टेक्नोलॉजी से प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। ओके, तो अभी एक तरह से अभी ऊपर भगवान कृष्ण है और हम कृष्ण से भी आदान प्रदान कर रहे हैं। हम भगवान कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें अंदर से कुछ साक्षात्कार हो रहे हैं, कुछ संतुष्टि आ रही है। तो तो अभी हम इस जगत में कुछ कार्य कर रहे हैं बाहर के रूप से, और अंदर में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सत्य है, पर दूसरा सत्य ये भी है कि कृष्ण इस जगत के भी स्वामी हैं। तो हम कृष्ण से इस जगत में भी कार्य जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम इस जगत के माध्यम से कृष्ण से आदान प्रदान कर रहे हैं, और इस जगत के माध्यम से कृष्ण भी हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, तो हमें कुछ दे रहे हैं। तो मैं प्रभुपाद जी ये फ्रेमवर्क रख के कैसे कैसे एक महान भक्त होते हैं, वह इस जगत में कार्य कर रहे हैं पर वो इस जगत के लिए कार्य नहीं कर रहे। जैसे कहा जाता है, लिव इन द वर्ल्ड, बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी कैसे अपने जीवन में कार्य किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्रभुपाद जी के जीवन को तीन विभागों में, अभी कई विभागों में हम डाल सकते हैं पर प्राइमरी तीन विभागों में डालूंगा। प्रभुपाद जी का जन्म कब हुआ था, किसी को पता है? 1896, एक्सेलेंट। फिर प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव से कब मिले? 1922। तो कितने साल के थे तभी वो? 26 साल के थे। यस। तो अभी उसके बाद में प्रभुपाद जी अमेरिका कब गए? 1965 में। और फिर प्रभुपाद जी इस जगत को छोड़ के भगवत धाम कब गए? 1977। तो अभी लगभग 1970 में प्रभुपाद जी भारत वापस आए और उसके बाद में भारत उनका केंद्र बन गया। तो अभी 1920 से अपने गुरुदेव से मिले और वो तब से ही अपने गुरुदेव की सेवा करने का प्रयास कर रहे थे, पर खास करके लगभग 1940 के आसपास से, 1949 अप्रॉक्सीमेटली, उस समय से ही स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन प्रीचिंग। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तभी उन्होंने भगवत दर्शन चालू किया और फिर धीरे धीरे वो अपना बिजनेस वाइंड डाउन करके वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने, फिर संन्यास ले लिया और फिर प्रचार करने लगे। तो मेनली हम देखेंगे ये तीन फेजेस, प्रभुपाद्स preaching in India, I'll call it India 1, then West, and then India 2. तो इन परिस्थितियों में किस प्रकार से प्रभुपाद जी कुछ कार्य कर रहे थे और कृष्ण कुछ प्रतिसाद दे रहे थे, तो ये कैसे आदान प्रदान हो रहा था वो हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी जब जलदूत में थे, जलदूत वो जहाज थी जिसमें प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए थे, तो उस जहाज में वो एक गीत लिखते हैं, उसको मार्किने भागवत धर्म कहा गया है, किस तरह से भागवतम का प्रचार करना है। उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, कि हे भगवान आप मुझे नचाओ, काष्ठेर पुतली जथा नचाओ से मते, कि आप मुझे नचाओ जैसे आप चाहते हो उस तरह से मुझे आप नचाओ। तो हम देखेंगे कि किस तरह अभी किसी को डांस परफॉर्मेंस करना है। मैं पहले दिन आया था वेंसडे को, तभी यहाँ पे कथक परफॉर्मेंस हुआ था। तो अभी डांस के लिए अगर नृत्य करना है तो एक तरह से तीन चीज़ें लगती हैं। एक है परफॉर्मर, ये परफॉर्मर है जो नृत्य कर रहा है वो कितना दक्ष है। दूसरा है स्टेज, अगर स्टेज अच्छा नहीं है, कितना भी अच्छा डांसर क्यों ना हो, अगर वो स्टेज फिसलने वाला है तो शायद कृष्ण कालिया पे नृत्य कर सकते हैं पर हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर स्टेज है उसी के साथ एक तरह से है ऑडियंस, वो नृत्य देखने के लिए ऑडियंस होना चाहिए। तो अभी ये तीन चीज़ें जो है वो जब साथ में होते, अच्छा परफॉर्म होता है, अच्छा स्टेज होता है और उचित ऑडियंस होती है। अभी उचित ऑडियंस मतलब क्या है कि वो ऑडियंस को उस प्रकार के नृत्य में रस होना चाहिए। तो इसको शास्त्रों में रसिक बताया गया है, रसिक मतलब उसको वो रस समझता है। तो जब तीनों साथ में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो डांस सक्सेस होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कृष्ण आप मुझे नचाओ जैसे आप चाहते हैं मुझे आप नचाओ। तो हम देखेंगे ये तीन चीज़ें कैसे प्रभुपाद जी के जीवन में हो रही थी और कैसे इसमें प्रभुपाद जी कार्य कर रहे थे, कृष्ण कार्य कर रहे थे। तो अभी जब हम कहते हैं कि एक बात मुझे बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है वो प्रभुपाद जी कहा करते कृष्ण लिखे हैं, हाँ वो सही है। तो फिर वो बोले कि तो उनका एडिटिंग करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बोला था कि हाँ, जो उसका कोर कंटेंट है वो एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो ग्रामर वगैरह है प्रभुपाद जी खुद चाहते थे वो एडिट करें, तो कहाँ तक करना है उसको थोड़ा वाद हो सकता है। पर यद्यपि प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे ग्रंथ कृष्ण ने लिखे हैं, पर प्रभुपाद जी ने वो ग्रंथों का ऑथर कृष्ण ने लिखा। ऑथर कौन लिखा है? वो स्वामी प्रभुपाद लिखा है। तो क्या है कि जब भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं तो भगवान वहाँ पर प्रेजेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति एब्सेंट है। तो भगवान है, वो भगवान के वचन है, पर वो प्रभुपाद के भी वचन है, isn't it? वो एक तरह से कहना केवल भगवान के है और प्रभुपाद है ही नहीं, वो एक तरह से मायावाद हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति है ही नहीं, सिर्फ परम सत्य है, और सिर्फ प्रभुपाद है और भगवान नहीं है, वो भौतिकवाद हो जाएगा। तो जब भक्त कार्य करते हैं तो उनमें दोनों में समन्वय होता है कि जब डिवोटीज एक्शंस, जब भक्त कार्य करते हैं तो उसको देखना कि ओनली कृष्णा इज एक्टिंग और ओनली द ह्यूमन इज एक्टिंग। तो सिर्फ कृष्ण कार्य कर रहे हैं, ये क्या हो गया, ये मायावाद हो गया कि ये जीव का कुछ इंडिविजुअलिटी, जीव का कुछ व्यक्तित्व है ही नहीं, पर वो केवल मानवी कार्य कर रहे हैं, भगवान का कुछ है ही नहीं इसमें। वो पूरा पूरा भौतिकवाद हो गया। वो क्या है, शास्त्र में गुरुषु नरमति, जो गुरु को एक साधारण नर के रूप में देखना वो उचित नहीं है। तो क्या है, ये एक लविंग कॉम्बिनेशन है कि भगवान और जो भक्त है दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं। तो जब एक इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो अभी हम तीन फेजेस देखेंगे कैसे ये आदान प्रदान जगत में हो रहा था, भगवान के साथ हो रहा था। प्रभुपाद जी को जब 1922 में वो अपने गुरुदेव से मिले पहली बार, तो उन्होंने उनको बताया कि आप अंग्रेजी जानते हो, आप विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी को पहले थोड़ा ऑब्जेक्शन था, पर भक्त संस्था ने उनको परसुएड कर दिया। फिर प्रभुपाद जी तभी सोचने लगे कि मुझे यही करना है। तो अभी उनका अभी विवाह हुआ था, उनका एक छोटा बच्चा था। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर मेरा विवाह नहीं होता तो मैं तुरंत अपने गुरुदेव के मिशन में ज्वाइन कर लेता, पर अभी कहते हैं इट वुड हैव बीन अनफेयर टू माय वाइफ एंड चाइल्ड, ये उचित नहीं होता। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने गृहस्थ जीवन में जितना हो सके धन सामग्री कमाएंगे और उसके द्वारा अपने गुरुदेव के मिशन को सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो लगभग जो पहला फेज है, तो हम इस फेज पे आ रहे हैं। तो 22 से लगभग अप्रोक्सीमेटली 45 और फिर उसके बाद में 65 तक। तो मेनली मैं 45 से 65 फोकस करूंगा, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी मेनली फाइनेंशियल सपोर्ट देने का प्रयास कर रहे थे कि उन्होंने कई प्रयास किए वास्तव में कि इस तरह से अपना बिजनेस बढ़ाए। तो ये भारत का नकाशा है, नहीं है? ओके, तो दिस वेरी बैड। ओके, छोड़ दीजिए, ये भारत का नकाशा है। तो यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे कहीं प्रयाग है। तो अभी प्रभुपाद जी ने अपना बिजनेस 3 जगह पे ट्राई किया। मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने उस प्री इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री पे स्पेशलाइजेशन किया है। तो बोलते हैं कि इतना रिलोकेशन और ट्रैवल उस समय लोग तभी करते थे जब उनका कोई गवर्नमेंट में जॉब होता था और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती थी। तो पूरा बिजनेस रिलोकेट करना, अपना सारा परिवार रिलोकेट करना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और ये तीनों अलग अलग पूरे देश के अलग अलग जगह है और वो वहाँ पे भाषाएं अलग है, काफ़ी हद तक संस्कृतियाँ अलग है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया यहाँ पे बिजनेस करने का, फिर वहाँ पे बिजनेस करने का, वहाँ पे करने का, पर अलग कारण थे। कहीं उनके जो एक बार उनका जो सारा स्टोर हाउस था वो जल गया, एक बार जो उनका असिस्टेंट था वो सब चुरा के लेके गया। तो बहुत कुछ उनके साथ सेटबैक्स हुए और फिर प्रभुपाद जी ने फैसला किया कि कृष्ण नहीं चाहते हैं कि मैं इस तरह से सेवा करूं। वो अपने गुरु भाई से मिले, प्रभुपाद जी ने वो श्लोक पढ़ा, अस्याहम अनुग्रहणामि, कि जिनको मैं कृपा देता हूं उनसे मैं सब कुछ देता हूं। तो मैं ये कहने का उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसलिए विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं कि जब कोई महान भक्त भी हो, उनका भक्तिमय सेवा करने का भी उद्देश्य क्यों ना हो, फिर भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनको यश मिलेगा। तो उनको यहाँ पे भगवत सेवा का उद्देश्य था पर उनको यश नहीं मिला, पर प्रभुपाद जी हताश नहीं हुए। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं हो रही है सेवा तो किसी और तरह से करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, 45 से 65 तक लगभग वो डायरेक्ट प्रीचिंग, प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे अलग अलग पद्धतियों से। वो अपना उन्होंने 4 चीज़ें प्रोमिनेंटली की इस समय में। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले BTG, जो बैक टू गॉडहेड ग्रंथ चालू किया उन्होंने। दूसरा है उन्होंने जो एक संस्था चालू की जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, वो झांसी में किया था। तीसरा था कि वो अपने गुरु भाई के साथ रहकर, वो गौड़िया मठ में आश्रम में रहकर अपने गुरु भाई के साथ सेवा करने का प्रयास कर रहे थे। और चौथा था कि उन्होंने भागवतम लिखा वृंदावन और दिल्ली में। तो अभी जब प्रभुपाद जी भगवत दर्शन छाप रहे थे, वो खुद पूरा मेहनत कर रहे थे, खुद वो पेपर खरीदना, खुद टाइपिंग पर लिखते थे, फिर टाइपिंग करते थे, फिर उसको प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर उसको वो खुद पेपर लेके जाते थे, कभी कभी प्रिंटर के पास, प्रिंटर से बैक टू गॉड लाते थे और फिर खुद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और उसी तरह से प्रभुपाद जी जब अपने ग्रंथ लिख रहे थे, भागवतम लिख रहे थे, तो कुछ भक्त हैं जो अभी प्रभुपाद जी से जो प्रभुपाद जी के समय के जो लोग थे, अभी उनमें से कोई भी लगभग है नहीं, पर उनसे मिले और उनका वृंदावन में प्रभुपाद जी का प्रसंग क्या था, क्या उनके आदान प्रदान हुए। तो वहाँ पे एक भक्त बताते हैं कि ये जब प्रभुपाद जी लिखते थे तो अभी प्रभुपाद जी ने अपनी नौकरी तो छोड़ दी थी, अपनी गृहस्थ जिम्मेदारी जितनी कर ली थी उतनी कर सकते थे की थी उन्होंने, अभी उनके पास कुछ पैसा नहीं था। तो फिर उस समय जब वो उनको कोई खत लिखता था तो जो खत एनवलप में आता था, तो प्रभुपाद जी एनवलप खोलते थे पूरा और वो एनवलप के दोनों साइड्स पे अपने भागवतम परपोर्ट लिखते थे। और एक समय तो प्रभुपाद जी का टाइपराइटर भी नहीं था, तो प्रभुपाद जी सिर्फ पेन से लिखा करते थे और बाद में जब समय मिलेगा तो टाइपराइटर का टाइप करेंगे। तो एक बार एक वृंदावन में शॉपकीपर है, दुकानदार, बताते हैं कि स्वामी जी उनके पास आए थे और बोले थे कि मैं ये भागवतम लिख रहा हूँ और मेरा जो रिफिल पेन है, बॉल पेन है, उसका रिफिल ख़त्म हो गया है। तो बोले मेरे पास पैसे नहीं है, आपको पेन देने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप मुझे एक रिफिल दे सकते हो। तो अभी प्रभुपाद जी की ऐसी परिस्थिति थी और प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे पर बैक टू गॉड कोई ले नहीं रहा था। वो लीग ऑफ डिवोटीज ने चालू किया झांसी में, बहुत मेहनत की, पर जिन लोगों के साथ उन्होंने वो किया था वो लोग ही बोले कि ठीक है, ये भक्ति तो हमेशा चलती रहती है, हमें कुछ समाज सेवा करनी चाहिए और उसके लिए हमें एक केंद्र चाहिए। तो प्रभुपाद जी को वहाँ छोड़ के जाना पड़ा। उनके गुरुदेव के साथ उन्होंने सेवा की, गुरुदेव के अपने गुरु भाइयों के साथ सेवा की, पर उनका जो विजन था वो बहुत नैरो था और प्रभुपाद जी को न तो कुछ करने को दे रहे थे, न खुद को ज़्यादा कुछ कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत से अपने भागवतम ग्रंथ लिखे और जो भागवतम ग्रंथ लिखे उससे वास्तव में उनको एक तरह से सकारात्मक सक्सेस मिला। क्या हुआ कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भागवतम विद कमेंट्री इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। भागवतम ट्रांसलेट किया गया था विद कमेंट्री। तो फिर तभी वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनके रिव्यूज़ दिए अच्छी और कि ये बहुत अच्छी किताब, कि सारे भारत के लाइब्रेरीज ने रखना चाहिए ये। तो अभी रिव्यूज़ तो अच्छे मिल गए और कुछ लाइब्रेरी में ले रहे थे, पर उस समय क्या अमेजॉन वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी कहाँ से प्रभुपाद जी को खुद पैकिंग करना, लेटर लिखना, भेजना। और प्रभुपाद जी केवल ग्रंथ लिखना नहीं चाहते थे, प्रभुपाद जी भक्ति प्रचार करना चाहते, लोगों को भक्त बनाना चाहते थे। तो वो देख रहे थे वो हो नहीं रहा है। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है कि अभी क्या होता है कि जब हमें नो सक्सेस नहीं मिल रहा है, फेलियर आ रहा है, तो हम उसका अलग अलग तरह से कारण ढूंढ सकते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी को यश नहीं मिल रहा था, उसके अलग कारण प्रभुपाद जी देख सकते थे। अभी व्यवहारिक रूप से देखे तो प्रभुपाद जी इंग्लिश में प्रचार कर रहे थे और अभी भी इंग्लिश में कितने लोग आते हैं प्रचार के लिए, भारत में कम है। अभी हमारे भक्त साउथ इंडिया में, तेलुगु में, तमिल में प्रचार कर रहे हैं। तो अभी इतना प्रचार हो रहा है। मैं हमारा डेट्रॉयट में काफ़ी समय से एक मंदिर है इस्कॉन का, तो डेट्रॉयट के बाजू में फार्मिंगटन हिल्स है, वहाँ पे अभी एक नया मंदिर बना है। तो डेट्रॉयट मंदिर जो था वो गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ पे जीबीसी थे। तो जब मैं दिल्ली में उनसे मिलने गया था तो मुझे बता रहे थे, चैतन्य चरण तुम्हारे गुरु भाई ने डेट्रॉयट के पास में एक तेलुगु इस्कॉन सेंटर चालू किया है। तो जो फार्मिंगटन हिल्स जो है वहाँ पे मोस्टली इंडियंस रहते हैं और मोस्टली इंडियन जो है वो तेलुगु है, तो वो लगभग सारे तेलुगु लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोकल लैंग्वेज है, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है, उसमें प्रचार काफ़ी आसानी से हो रहा है। समस्या सब जगह पे होती है पर आसान होता है, पर अभी भी इंग्लिश में प्रचार इतना नहीं होता है। भी कोई वीडियो यूट्यूब हिंदी में बनाएगा और इंग्लिश में बनाएगा, तो हिंदी का रीच बहुत ज़्यादा है। अभी इंग्लिश हो गया है वो, पर फिर भी तो अभी प्रभुपाद जी 1965 में 55-65 में तो प्रभुपाद जी तभी इंग्लिश में कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी जैसे मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा हूँ इसलिए शायद ये नहीं हो रहा है, तो वो सोच सकते थे। और हाँ, प्रभुपाद जी ने कुछ बंगाली में भी गिटार गान लिखा, थोड़ा बहुत बंगाली में किया। पर प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो सुशिक्षित एजुकेटेड लोग हैं, जो एक तरह से भारत के थॉट लीडर्स बनने वाले, वो उनको रीच करना चाहते थे। प्रभुपाद जी कह सकते थे कि मेरे पीछे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है इसीलिए मेरा यश नहीं मिल रहा है मुझे। प्रभुपाद जी कह सकते थे कि शायद मैं आई एम नॉट प्योर इनफ, मैं शुद्ध नहीं हूँ इसलिए नहीं हो रहा है। कहते शायद मुझे वृंदावन में कहकर शुद्धिकरण होना है। और प्रभुपाद जी कह सकते थे शायद यही कृष्ण की योजना है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप प्रचार करते हैं और कोई आता नहीं कार्यक्रम के लिए तो दीवारों को प्रचार करो, तो शायद यही मेरा सेवा है कि जिंदगी भर दीवारों को प्रचार करते रहे। प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं सोचा। प्रभुपाद जी एक भागवतम 7वें स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी हेल्दी एंड स्टाउट इन माइंड एंड इंटेलिजेंस टू डिस्टिंग्विश द गोल ऑफ लाइफ फ्रॉम अ लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है कि हमें हमारी बुद्धि से फैसला करना है कि हमारे ऊपर अलग अलग तरह से समस्या आ रही होगी, हमारे जीवन में अनेक प्रॉब्लम्स है, और अगर हमको यश नहीं मिल रहा है तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। यश कहीं भी हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, हमारे संबंध में हो सकता है, हमारी साधना में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमारी सेवा में हो सकता है। तो अगर यश नहीं मिल रहा है उसके अनेक कारण हो सकते हैं। बट हमें क्या देखना है कि कौन से कारण से मैं कुछ मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर जा सकता हूँ, विच इज द एक्शनेबल कॉज, उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये कृष्ण की योजना है तो फिर क्या है, स्वीकार कर लो, वैसे ही रहो। मैं शुद्ध नहीं हूँ, कह सकते प्यूरिटी इज द फोर्स, ठीक है। तो प्यूरिटी नहीं है तो क्या जिंदगी भर प्यूरिटी करते रहे, प्यूरिटी लाने का प्रयास करते रहे और बाद में प्रचार करें, तो क्या करना है। तो प्रभुपाद जी ने ये एक तरह से, दिस इज अ साइन ऑफ प्रभुपाद्स फेथ एंड प्रभुपाद्स करेज। प्रभुपाद जी ने देखा कि मुझे अभी यश नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि इंग्लिश में प्रचार करो, तो मैं इंग्लिश में ही प्रचार करूंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि पाश्चात्य देशों को प्रचार करना चाहिए, तो मैं वहां पे जाऊंगा। अभी कोई कह सकता है कि अरे भारत तो ये वैदिक संस्कृति की जगह है, यहाँ पर आपको कोई नहीं सुन रहा है, परदेश में कौन सुनने वाला है। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है, वो गली के क्रिकेट टीम में उसको जगह नहीं मिल रहा है, वो कहता है कि मैं इंडियन नेशनल टीम में जाऊँगा, फिर वहाँ पे जगह मिल जाएगा तो फिर तुम मुझे जगह दोगे। तो कोई कहेगा ये क्या लॉजिक है। कोई कह सकता था कि आप तो इतने बूढ़े हो। जो सुमति मोरारजी जी जो उनको स्पॉन्सर किया प्रभुपाद, उनको अमेरिका जाने के लिए, वो पहले उनको मिलने को भी तैयार नहीं थी, और वो बोले स्वामी जी आपको, मैं आपके स्वामी जी को बहुत आदर करती हूँ, मैं आपको ना नहीं बोलना चाहती थी इसलिए मैं आपको मिलना नहीं चाहती थी। तो मेरे सेक्रेटरी, मेरे असिस्टेंट कह रहे कि स्वामी जी यू आर सो ओल्ड एंड अमेरिका इज सो कोल्ड, कि आप इतने वृद्ध हो, अमेरिका इतना ठंडा है कि वहाँ पे आप जी नहीं पाओगे। अभी हम सब जानते हैं तो बौद्धिक स्तर के पाश्चात्य देश ठंडे होते हैं। मैं 214 में पहली बार अमेरिका गया था, तो फिर 216 में तीसरी बार जब मैं गया था अमेरिका, तो मैं वॉशिंगटन में था, और मैं सुबह उठा और फिर थोड़ा मंगल आरती के पहले मैं जल्दी उठ गया था मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगा। तो मैंने फ़ोन में देखा, सुबह उठ के देखा तो वो टेम्परेचर कुछ 11 डिग्रीज था। मैं ठीक है, थोड़ा स्वेटर पहन के बाहर जब के लिए जाते हैं, मैं जब के लिए गया और जब कर रहा था तो कुछ समय के बाद मेरे उंगलियों को हिला नहीं पा रहा था मैं, तो मैं मुंह खोला तो पूरा वाफ आने लग गया। मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, तो कैसे थोड़ा मुश्किल से मैं अभी वापस मुड़ गया। अकेला ही था तभी, पूरा अंधेरा था तभी, रास्ते पर लाइट था पर मंदिर के बाहर मैं रोड पर वॉक कर रहा था। फिर मैंने फ़ोन निकाला और वहाँ पे देखा कि मैं सुबह उठ के ध्यान नहीं जाता, वो 11 नहीं था, -11 टेम्परेचर था वो। तो वहाँ पे सही में बहुत ठंडी होती है। तो वो जो उनकी चिंता थी वो सही थी। प्रभुपाद जी कह सकते थे कि अभी तो मैं तो वृद्ध हूँ, प्रभुपाद जी भारत से भी बाहर नहीं गए और फिर अमेरिका जाने वाले हैं, पर प्रभुपाद जी ने सोचा एक तरह से उनकी श्रद्धा है, मेरे गुरुदेव ने ये बताया है मुझे तो मुझे यही करना है। पर प्रभुपाद जी ने डायग्नोज भी कैसे किया इसको, एक है कि गुरु का उद्देश्य, गुरु का आदेश है वो स्वीकार करना है, पर गुरु का आदेश स्वीकार करना है इसका मतलब ये नहीं कि खुद की बुद्धि इस्तेमाल नहीं करनी है। कैसे है कि सरेंडर, कुछ लोग कहते हैं सरेंडर ऑफ इंटेलिजेंस, अपना बुद्धि को ही आप त्याग दो, पर वास्तव में क्या है सरेंडर विथ इंटेलिजेंस, कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शरणागत है। तो कभी कभी हमारी बुद्धि से कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर तभी हमारा बुद्धि छोड़ के हम जो भी बुलाए करेंगे, पर अभी उनके गुरुदेव यहाँ पे नहीं है, वो जगह छोड़ के चले गए हैं, भगवत धाम गए हैं, तो उनको मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं है, तो अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो प्रभुपाद जी ने योजना बनाई कि मैं पाश्चात्य देशों में जाऊंगा और वहाँ पे प्रचार करूंगा और फिर यहाँ पे आकर जब प्रभुपाद जी भारतीय लोगों को दिखाऊं कैसे पाश्चात्य लोग भी प्रचार कर रहे हैं, पाश्चात्य लोग भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी इसमें कई चीज़ें हैं, ये स्ट्रैटेजी तो सुना है हमने कई बार, पर इसका थोड़ा ब्रेक डाउन करते, थोड़ा एनालिसिस करते इसका। तो क्या है, सबसे पहले प्रभुपाद जी अलग अलग कारण देख सकते थे क्यों मेरा प्रचार यशस्वी नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कारण देखा, मेनली इन्फैचुएशन विद द वेस्ट, कि लोग पाश्चात्य चीज़ों से बहुत प्रलोभित हो गए। वेस्ट मतलब क्या है, एक तरह से वाइट स्किन, जो सफ़ेद लोग होते हैं, गोरे लोग होते हैं, वो कैसे कि भारत को 600, 700, 800 साल तक इस्लामिक रूल था भारत में और पॉलिटिकली बहुत पावरफुल था इस्लाम, पर फिर भी ये 600 से 700, 800 साल में कभी इस्लाम वॉज नेवर अ इंटेलेक्चुअल थ्रेट, कि कई इस्लामी अच्छा इनका तत्वज्ञान हमारे तत्वज्ञान से बेहतर है, इनकी विचारधारा जो हमारे विचारधारा से अच्छी है। पर जब पाश्चात्य लोग आए तो उसका साइंस था, रैशनैलिटी था, टेक्नोलॉजी था, जो एक विचारधारा थी, वो लोगों को ऐसे लगे कि ये वास्तव में दिस पीपल आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। तो एक तरह से एक कल्चरल इन्फैचुएशन था वैसे, पर एक इंटेलेक्चुअल इन्फैचुएशन भी था। एक सांस्कृतिक स्तर पे एक फैसला किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा और वहाँ पे प्रचार करूँगा। तो अभी ये कह सकते हैं कि अगर उस समय के भारतीयों के बारे में पता कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, इंडियंस नॉट अप्रिशिएटिंग फिलोसॉफिकल भक्ति। अभी उस समय भक्ति काफ़ी थी, ऐसे नहीं भक्ति नहीं थी, लोग भक्ति करते थे, राम कथा हुआ करती थी, कृष्ण कथा वृंदावन में हुआ करती थी, पर एक तत्वज्ञान के स्तर पे भक्ति को समझाना वो लोग नहीं स्वीकार कर रहे। तो ये एक चीज़ है, और इंडियंस इन्फैचुएटेड विद द वेस्ट। तो अभी हम कह सकते हैं ये इंडियंस इन माया, कि जो माया है एक है कि उनको आध्यात्म के तत्वज्ञान के रुचि नहीं है, दूसरा है कि उनको पाश्चात्य देशों से आकर्षण है। तो अभी ये दोनों माया ही है, पर प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, अभी एक प्रकार के माया का इस्तेमाल करेंगे दूसरी प्रकार के माया को ठुकराने के लिए। प्रभुपाद इज यूजिंग वन फॉर्म ऑफ इल्यूजन टू काउंटर अनदर फॉर्म ऑफ इल्यूजन, कि जो सफेद चमड़े से जो आकर्षण है वो भी तो एक माया ही है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यह उनकी बुद्धि है। भागवत में बताया गया है कि कभी कभी अगर पैर में एक कांटा गया है तो उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा डालना पड़ता है, तो ऐसे ही अभी प्रभुपाद जी ने किया। अब वो जब अमेरिका में गए तो ये एक तरह से करेज बताता, अकेले 70 साल की उम्र में वो परदेश जा रहे हैं, ये बड़ा साहस है। पर साहस क्या है, ऐसी करेज इज नॉट रेकलेसनेस, कि बिना बुद्धि के दौड़ के कहीं चले जाओ। प्रभुपाद जी की बुद्धि थी, कुछ योजना थी, मैं ऐसे ऐसे करूँगा। और अब अभी क्या है कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो हम प्रभुपाद जी अमेरिका से वापस कैसे आए और क्या हुआ उसके हम तीसरे पार्ट में चर्चा करेंगे, पर सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं। तो हम बोल रहे थे डांस का उदाहरण ले रहे थे, तो प्रभुपाद जी तो डांस कर रहे थे पर या तो स्टेज सही नहीं था या ऑडियंस सही नहीं थी, ऑडियंस अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है कुछ नया डांस फॉर्म होता है, वो लोग देखते हैं चाहिए ठीक है कोई डांस कर रहा है, पर कोई ऐसा डांसर है वो अगर अरे ये इतना अच्छा डांसिंग करता है, अच्छा ये अच्छा डांसिंग करता है देखना चाहिए क्या कर रहा है ये। तो प्रभुपाद जी तो डांस कर रहे हैं, भारत एक स्टेज है और भारत में ऑडियंस है, तो क्या है प्रभुपाद जी उसमें बोल रहे थे कि ये स्टेज के लिए अभी ये डांस काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऑडियंस है वो इस प्रकार की भक्ति को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अभी पहले 6-7 महीने प्रभुपाद जी को अमेरिका में तो बहुत मुश्किल था, तो कहाँ रहना है क्या करना है। वो जब अमेरिका में पहले गए बटलर पेंसिल्वेनिया में एक वहाँ पर एक मिस्टर अग्रवाल और भारतीय थे, वो एक अमेरिकन स्त्री से उन्होंने विवाह किया था, गोपाल अग्रवाल और साली अग्रवाल, उनके घर में रह रहे थे प्रभुपाद जी। और उनके लिए स्वामी जी एक क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्ट थे, एक स्पिरिचुअल टीचर नहीं थे कि ये कौन आया है भारत से और किस प्रकार के वस्त्र पहनता है, वो कैसे कुकिंग करते हैं क्या करते हैं। तो अगर उस समय मोबाइल फोन होता लोग कहते स्वामी जी 1 सेल्फी प्लीज़ तो लोगों को उनसे सुनने की कोई रुचि नहीं थी। तो प्रभुपाद जी 2 महीने के वीज़ा के साथ गए। जब यहाँ से भारत से आप कहीं आते हैं, यहाँ से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट लगता है पर किसी और देश में एंटर करने के लिए वीज़ा लगता है, और वो वीज़ा फाइनाइट होता है कुछ 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। तो प्रभुपाद जी का 2 महीने का वीज़ा था। तो पहला लगभग 20-25 दिन प्रभुपाद जी बटलर में रहे, थोड़ा अमेरिकन जगह को समझे क्या करना है। फिर वहाँ से वो फिलाडेल्फिया गए, फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क में गए, और अभी जब न्यूयॉर्क में वो रहने लग गए तो उस समय उनका वीज़ा खत्म होने को आ गया। तो पुनः उन्होंने वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और फिर वो एक्सटेंशन हो गया। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बार बार एक्सटेंशन कर रहे थे वीज़ा का। तो बाद में वो अमेरिकन सरकार ने कहा कि स्वामी जी कितना आप एक्सटेंशन कर रहे हो, ये चलेगा नहीं, इतना एक्सटेंशन होगा नहीं। तो प्रभुपाद जी तब तक तो वो प्रभुपाद जी संस्था बढ़ गया था, प्रभुपाद जी काफ़ी शिष्य भी थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि कैसे कर सकते हैं। तो बोले कि अगर आपका किसी अमेरिकन से रिश्ता हो जाता है तो फिर तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, यू अडॉप्ट मी एज योर चाइल्ड अभी प्रभुपाद जी उनके दादा के उम्र के थे तो प्रभुपाद जी का एक बहुत स्पॉन्टेनियस ह्यूमर भी हुआ करता था पर अभी जो स्टेज था, तो जो अभी अमेरिका का स्टेज था, उस समय प्रभुपाद जी गए वहाँ पे अमेरिका में, पर अभी प्रभुपाद जी बोले कृष्ण आप मुझे नचाओ। अभी नाचने वाला एक्सपर्ट हो सकता है पर उसके लिए उचित स्टेज चाहिए। तो उस समय प्रभुपाद जी ने कुछ अमेरिकन हिस्ट्री का स्टडी नहीं किया था, जब उनको मौका मिला तो अमेरिका चले गए थे। पर क्या है, हम जब प्रयास कर रहे होते हैं भगवान की सेवा करने का तो भगवान भी योजना कर रहे होते। जैसे दामोदर लीला में 2 उंगलियां होती है, तो यशोदा माई प्रयास कर रही है बांधने की, अभी कब कृष्ण प्रसन्न होगी अपनी कृपा देगी उस पर हमारा यशोदा माई का नियंत्रण नहीं होता है। तो वैसे ही हमारा प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, तो क्या हुआ जो उसी समय एक तरह से जो स्टेज था, अमेरिका अगर स्टेज है तो कृष्ण प्रभुपाद जी के लिए ये स्टेज सेटअप कर रहे थे। सबसे पहला था एक पॉलिटिकल लेवल पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 1920 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1921 के बाद अमेरिका ने इमिग्रेशन के रूल्स बहुत टाइट कर दिए थे, तो किसी को आना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर 1965 में लगभग प्रभुपाद जी 1 महीना अमेरिका में पहुंचने के पहले अमेरिका ने इमिग्रेशन के रूल्स लिबरलाइज कर दिए, क्योंकि उसके बाद ही काफ़ी भारतीय लोग वहाँ पर जाने लग गए। और अगर प्रभुपाद जी 3-4 महीने पहले जाते थे तो 2 महीने का उनका वीज़ा उनको मिलता भी था, तो उसका एक्सटेंशन नहीं मिलता था। तो वो जो लिबरलाइज हुआ वो कब तक रहा, जो 9/11 तक रहा। अभी अमेरिका में वीज़ा मिलना आसान नहीं है। अभी साउथ इंडिया में तो वीज़ा गणेश के मंदिर होते हैं कि गणेश विघ्न नाश करते हैं, तो है मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल जाए तो विघ्न आप नाश कर दो, तो वैसे मंदिर भी होते हैं। तो 1965 में वो पॉलिटिकल इमिग्रेशन जो है, पॉलिटिकल रूल्स फॉर इमिग्रेशन वो थोड़े लिबरलाइज हो गए थे, तो उसके कारण प्रभुपाद जी को बार बार एक्सटेंशन मिलता था। 2 महीने में प्रभुपाद जी को यश नहीं मिला, लगभग 8-9-1 साल लगा एक्चुअली टैंजिबल यश मिलने के लिए। प्रभुपाद जी अगस्त में जन्माष्टमी उन्होंने शिप में जलदूत में सेलिब्रेट किया था, और इस्कॉन जो उन्होंने जुलाई में अगले साल प्रस्तापित किया। तो ये पॉलिटिकल स्तर पे था। दूसरा क्या था कि रिलीजियस स्तर पे या थियोलॉजिकल या रिलीजियस क्या है कि जो अमेरिका में क्रिश्चियनिटी प्रधान धर्म है। हम भारतीय लोग कहते हैं कि जो अमेरिका है बहुत भौतिकवादी, हमारे लिए अमेरिका मतलब हॉलीवुड वगैरह होगा, वो कल्पना आती है हमारे मन में। पर पाश्चात्य देशों में अमेरिका इज़ द मोस्ट रिलीजियस कंट्री, कि जितना धार्मिक है यूके या फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, पर अमेरिका काफ़ी धार्मिक है। कुछ मिडिल और सदर्न पार्ट जो है वो तो काफ़ी रिलीजियस है वहाँ पे। तो अभी वो जो रिलीजियस इसलिए था, तो क्या था कि कुछ हद तक क्रिश्चियनिटी जो है वो इतना इंटॉलरेंट नहीं है जितना इस्लाम है। कैसे कि इंटॉलरेंस जो होता है वो 2 स्तर पे होता है। एक है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिविज्म। एक्सक्लूसिविज्म मतलब क्या है कि वी हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू गॉड। जैसे कोई टीवी सीरीज होता है, बोलते कोई वर्ल्ड कप होगा, एक्सक्लूसिवली ऑन ESPN कहते हैं, मतलब सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है। तो एक्सक्लूसिविज्म मतलब क्या है कि हमारे मार्ग से ही भगवान के पास जाना है। तुम हमारा मार्ग पालन नहीं कर रहे हो तो तुम भगवान के पास नहीं जाओगे। तो ये क्या होता है, ये आइडियाज के रूप पे होता है। कुछ लोग एक्सक्लूसिव्स होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या, वो एक्शन के स्तर पे आता है। ये लोग और दयालु होते हैं। वो एक्सक्लूसिव्स कहते हैं कि तुम हमारे मार्ग का पालन नहीं कर रहे हो, हमारे भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो तो तुम नरक में जाने वाले हो। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं अरे तुम नरक में जाने वाले हो तो देर क्यों करना है। तो लगभग 1965 में वेटिकन II नाम का एक बड़ा कैथोलिक चर्च में कन्वेंशन हुआ था, और तब से वो थोड़े ओपन माइंडेड हो गए। वो कहने लगे कि एक्चुअली देयर इज मच दैट इज प्रोवाइडेड बाय गॉड एंड इज गुड इन अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस आल्सो। नहीं तो उनका भाव होता कि बाकी सारे जो धर्म है वो शैतान का ही रूप है, और वो शैतान ने निर्मित किए हैं लोगों को असली भगवान से दूर ले जाने के लिए। तो 1965 में जब हुआ तो उसके कारण जो लोग हैं, क्योंकि चर्च ने ऐसे बताया तो वो काफ़ी पब्लिसिटी हो गई, तो लोग थोड़े ओपन हो गए। और खास करके बाद में जब थोड़ा इस्कॉन बड़ा होने लग गया, तो इसके कारण क्या हो गया, जो चर्चेस के फादर्स थे या प्रीस्ट थे, तो क्या होता है जब माता पिता है, अमेरिकन माता पिता है, उनके बच्चे यार ये कुछ अलग ही धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर वो पहले विचलित हो जाते थे। फिर अपने पास्टर को जाकर क्या है, अपने चर्च में जाकर प्रीस्ट को क्या कर रहे हैं लोग, अगर माता पिता को बताएंगे तो ये तो नरक का मार्ग है, तो फिर माता पिता बहुत विचलित हो जाएंगे। तो क्या उससे थोड़ा ओपननेस आ गया, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एट अ कल्चरल लेवल, एक सांस्कृतिक स्तर पे जो 1960s की जो शताब्दी है और डेकेड, शताब्दी दशक है, जो डेकेड है वो अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत स्पेशल था। क्या हुआ कि साधारणतः जो लोग सब लोग चाहते हैं कि उनके पास अच्छा धन संपत्ति आए, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, एक भौतिक स्तर पे यशस्वी हो जाए। और अभी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। अभी क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत हानि हुई, पर अमेरिका उसके बाद में एक सुपर पावर बन गया। कई कारण थे उसके लिए। क्या है कि अमेरिका ऐसे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज़ एज जियोग्राफिकली ब्लेस्ड एज अमेरिका, कि भूगोल के स्तर पे कैसे पूरे सागरों से वो है। वो ऊपर कनाडा है, मेक्सिको है, दोनों इतने शक्तिशाली नहीं है, तो कोई खतरा ही नहीं है। तो अमेरिका बहुत समृद्ध हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वो एक सुपर पावर बन गया। अमेरिका बाकी सारे देशों को वेपन्स दिया करता था, उनको पैसे भी मिल गए उनको। तो उस समय जो लोग थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वापस आए, फिर वो उन्हें विवाह किया, बच्चे हुए, तो वो एक प्रॉस्पेरिटी का समय था, पैसा बहुत था तभी। तो 1960s में जो बच्चे बड़े हो रहे थे, मतलब 15-20 साल के थे तभी, 20-25 साल के, 15 से 20 के बीच वाले, तो जो भी उनके माता पिता जीवन भर प्रयास कर रहे थे, हमको अच्छा घर चाहिए, हमको संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो कहते द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, लाइक अ हाउस विद अ पिकेट फेंस एंड वाइट हाउस विद अ गार्डन अराउंड इट, वो सपना होता है लोगों का, वो इनके लिए पहले से पूरा हो गया था। और वो सोच रहे थे कि इसके अलावा और कुछ होना चाहिए, कि जो मटेरियल चीज़ें जो है, भौतिक चीज़ें हैं, वो सब जो चाहिए वो मिल गई है, उसके अलावा और कुछ चाहिए, तो वो और कुछ क्या होगा, तो वो आध्यात्मिक खोज करने लग गए थे। तो वो जो उस समय वो आध्यात्मिक खोज करने लग गए थे, और वहाँ पे ऐसे एक धारणा आ गई कि आप ड्रग से आध्यात्म की ओर जाओगे, आपको ड्रग से आध्यात्मिक साक्षात्कार होगा। तो अभी वो क्या हो गया, 1963-64 में चालू हो गया, 65-66 में पीक था वो, और 68-69 में क्या हो गया, जब तक वो 70 खत्म होने लग गया, ये जो लोग थे, ये जो लोग थे इनको कहते हैं काउंटर कल्चर। कल्चर होता है संस्कृति होती है, और संस्कृति के विपरीत कह सकते हैं विकृति, पर ये विकृति नहीं है, ये जो प्रधान कल्चर है उसके विरुद्ध जाना। मतलब ये लोग कहते थे कि क्या पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, विवाह करना है, इस सब के बाद में क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, जो कुछ मिलने वाला है हमको पहले से मिला हुआ है, उसमें कुछ मतलब नहीं है, और कुछ चाहिए जीवन में। तो ये काउंटर कल्चर था, और उसमें से एक छोटा सा ग्रुप था वास्तव में, बहुत विजिबल था, वो था हिप्पीज। जो काउंटर कल्चर में बहुत बुद्धिमान लोग भी थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, विचारवंत लोग थे, पर उसमें जो हिप्पीज जो थे वो क्या कर रहे थे, वो खास करके ड्रग्स लिया करते थे, और काफ़ी मात्रा में ड्रग लिया करते। और ये शुरू हुआ 1960-63 में रफली, पर पहले तो वो ड्रग्स आध्यात्म के लिए ले रहे थे, और वो इंटरेस्टेड प्राइमली आध्यात्म में थे, पर धीरे धीरे क्या हो गया, वो यहाँ पे जो था, अगर हम देख सकते तो यहाँ पे अर्ली 60s में उनके खोज में, ऐसे कह सकते थे ड्रग्स छोटी सी चीज़ थी, और जो स्पिरिचुअलिटी थी वो बड़ी चीज़ थी। पर वो 70s तक आ गया, 1965, 68, 69 तक, तो क्या हो गया, वो स्पिरिचुअलिटी छोटी सी बन गई, और पूरा ड्रग्स ही बन गया वो। तो इसीलिए अगर आप 1970s के अगर लेटर्स पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी डोंट वांट आवर मूवमेंट टू बी आइडेंटिफाइड विद द हिप्पीज, कि हम हिप्पी नहीं हैं, हमें हमारे ऐसे पहचान नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो लोग आध्यात्म खोज रहे थे, उनके लिए बराबर कृष्ण ने प्रभुपाद जी को उसी समय भेजा। अभी प्रभुपाद जी 1955 से प्रयास कर रहे थे कि वो परदेश जाए, और बहुत से लोग प्रभुपाद जी बोला करते थे कि हाँ मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ पे है, वो आपको स्पॉन्सर कर देगा, कुछ होता भी नहीं था। और ये जो गोपाल अग्रवाल के पिताजी थे, उन्हें स्पॉन्सर किया, वो मुझे बता रहे थे कि इन्होंने रिसर्च किया था कि प्रभुपाद जी को जो लेटर आया कि उनके पिताजी ने उनके गोपाल अग्रवाल को भेजा, गोपाल ने फिर स्पॉन्सरशिप किया। ये प्रभुपाद जी जब भारत में थे, उनके पास रहने की कोई जगह ही नहीं थी फिक्स्ड, तो कभी इस गृहस्थ के घर में रहते थे, कभी उस मंदिर में रहा करते थे, और हर जगह पे फॉरवर्डिंग एड्रेस दिया करते थे। तो जो प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने का स्पॉन्सरशिप का लेटर आया, वो 6 बार फॉरवर्ड होके आया था। तो हमें इंडियन पोस्टल सिस्टम को कृतज्ञ होना चाहिए कि 6 बार फॉरवर्ड किया उन्होंने, वो एक चमत्कार है। तो कृष्णा छोटी छोटी मार्ग से अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि 1955 में कोई प्रभुपाद जी को स्पॉन्सर कर सकता था, बट वो 1965 में हुआ, तो उस समय बराबर अमेरिका रिसेप्टिव था, वो अमेरिकन यूथ रिसेप्टिव थे। जो अमेरिकन ओल्डर लोग थे, जो एक तरह से भौतिक रूप से यशस्वी लोग थे, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, पर ये युवक बहुत इंटरेस्टेड थे। तो कैसे है, कृष्णा एक तरह से वो स्टेज बना रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए, और फिर प्रभुपाद जी ने एक्सपर्टली डांस किया। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, उन्होंने पहले जो हिप्पी थे, अगर आप बाह्य रूप से देखेंगे तो जो काउंटर कल्चर के लोग हैं और प्रभुपाद है, उनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। वो प्रभुपाद जी तो हमेशा शुद्ध जीवन जी रहे, चाय कॉफ़ी भी नहीं पिया उन्होंने कभी, और जो हिप्पी है उनका एक ही रेगुलेटर प्रिंसिपल है कि चारों रेगुलेटर प्रिंसिपल को ब्रेक करो आप। कि वो प्रभुपाद जी ने जो लेखक है वो शास्त्र में विद्वान है और ये लोग हैं ये तो नशा करते हैं, अवैध संग करते हैं, बहुत कुछ बाह्य रूप से बहुत कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी एक तरह से। पर प्रभुपाद जी ने एक सिमिलैरिटी देखी, एक समानता क्या कि उनमें आध्यात्मिक रुचि है और वो सही में आध्यात्म क्या है जाना चाहते। वो केवल कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि मंदिर में जाते हैं किस लिए, उनको भगवान में रुचि नहीं है, उनमें उनको लगा कि समाज में हाँ हमको अच्छा लगेगा लोग। अभी हमारा जूहू में मंदिर है तो कई बार बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज आते हैं, कल जन्माष्टमी के काफ़ी लोग आए थे। अभी कुछ कुछ में सही में भक्ति का भाव हो सकता है, पर अभी कुछ लोग आते हैं फिर वो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं मैं इंस्टा में मैं मंदिर में गया था, और फिर लोग कहते हैं आप कितना अच्छे वक्त आप मंदिर में गए। तो वो अभी मंदिर में दर्शन लेने के लिए जा रहे हैं या दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। अभी किसी का हमको आरोप नहीं करना है, पर पॉइंट एक कई बार ऐसे होता है कि लोग जो है समाज में मैं अच्छा व्यक्ति हूं ये दिखाने के लिए कुछ धर्म कर लेते। तो रिलीजन इज ऑफन अ सोशल कॉस्मेटिक, वो दिखावे के लिए है कि। पर जो है अभी ये हिप्पी लोग ऐसे नहीं थे, ये सही में आध्यात्म के बारे में जाना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो अभी भक्ति का भी उन्होंने प्रेजेंटेशन किया एक अलग ही पद्धति से किया। स्पेशली अभी क्या था कि जो काउंटर कल्चर के लोग थे उनको क्या है जो जनसाधारण लोग कर रहे हैं उसका पूरा उल्टा कार्य करना है। तो दे वर रेबल्स, उनको कहा गया रेबल विदाउट अ कॉज एंड रेबल विदाउट अ पॉज। कुछ कारण नहीं है रेबेलियन करने के लिए, उपद्रव करने के लिए, बंद करने के लिए, और कभी वो बंद को रोकना नहीं, बंद नहीं करना है, करते ही रहना है। तो अभी प्रभुपाद जी ने तत्वज्ञान इस तरह से प्रेजेंट किया कि ही गेव देम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर देयर रेबेलियन। तत्वज्ञान के स्तर पे ये सब हाँ ये सब मोह है, ये सब माया है, कि इसमें कुछ अर्थ नहीं है अंतिम दृष्टि से। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, भक्ति सावंत सिंधु पे लेक्चर दिया है, अभी हम जानते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने एक शब्द नहीं बदला, तो मैं एक पोस्टमैन के समान हूँ, जो मेरे गुरुदेव ने बताया है वही मुझे बताया है। तो अभी ये प्रभुपाद जी का एक है, डिडंट चेंज वन वर्ड, और ये सत्य है। एक तरह से प्रभुपाद जी ने जो उनके गुरुदेव का संदेश है वही बताया है। पर प्रभुपाद जी ये भक्ति सावंत सिंधु के लेक्चर में बोलते हैं कि दिस एंटायर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज प्रैक्टिकली इन्वेंटेड बाय मी। तो कह रहे हैं कि ये पूरा इन्वेंटेड बाय मी। अभी ये दोनों तो पूरा ऑपोजिट लगेगा। तो अभी इन्वेंटेड बाय मी का मतलब क्या है कि जो जो विधि है कि भगवान का स्मरण करो, यह शास्त्रों में दी है, प्रभुपाद जी वही बताते। प्रभुपाद जी ये बोलते कि मेरा स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। प्रभुपाद जी का मूड मिशन है पर हमें भगवान का स्मरण करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु का ये जिम्मेदारी नहीं कि आदेश दो तुम भगवान का स्मरण करो। गुरु की ये जिम्मेदारी है कि अपने शिष्यों को मदद करे, सुविधा दे, जिससे कि वो भगवान का स्मरण कर सके। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे मैंने इन्वेंट किया है, मतलब क्या है कि मैंने अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी है कृष्ण का स्मरण करने के लिए। तो अभी ये जो जवान लोग थे उनके जवानी में सबको जोश होता है, कुछ कर दिखाना होता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने को बोला, उनको प्रचार करने को बोला, और उनके लिए नए शहर में जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, उनको ग्रंथकार बताओ, नए शहर में जाओ, वो आप केंद्र बनाओ। उनका जो एडवेंचर का भाव था उसको प्रभुपाद जी ने पूरा ये यूटिलाइज़ कर लिया। प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों के साथ एक बार बैठे थे तो उनके पास एक विश्व का नक्काशा था। तो अपने सारे शिष्यों से कहा उन्होंने, ऑल ऑफ यू पिक वन कंट्री एंड गो एंड डिलीवर दैट। आप एक देश उठाओ और उसका उद्धार करो। तो उनके एक शिष्या थी जदुरानी माता जी, कहते स्वामी जी व्हाट अबाउट अस गर्ल्स, हम लड़कियों के बारे में क्या? प्रभुपाद जी बोले हम पुरुष स्त्री नहीं है, हम आत्मा है, तुम भी एक प्रदेश उठा लो तुम। तो प्रभुपाद जी का ऐसे एडवेंचरस भाव था, और उससे क्या हो गया उनको जो जवानी का जोश था वो उसको एक प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण के प्रचार करने के लिए उनको उसमें इस्तेमाल करने का मौका दिया। और फिर उनको सब कुछ जो साधारण लोग करते हैं उसका उल्टा करना है। अभी प्रभुपाद जी के गुरुदेव थे, वो जब जरूरत पड़ता था शर्ट पैंट भी पहना करते थे। राधा कुंड में भी एक बार गए थे, वो सूट में गए, उन्होंने वहाँ पे प्रवचन दिया था। पर प्रभुपाद जी वेरी काफ़ी एम्फेटिक थे कि कल्चर जो है कि वो कल्चर को ट्रांसफ़र करना है। तो उन्होंने पाश्चात्य देशों के लोगों को क्या हुआ, उनको धोती कुर्ता साड़ी पहना सिखाया। तो अभी एक भक्त बताए थे कि वो पहली बार मैं भक्तों को, अभी प्रभुपाद जी हमारे शिष्य है, पर बताए थे मुझे पहली बार मैंने भक्तों को देखा अमेरिका में, किसी को धोती में देखा ही नहीं उससे पहले। अभी क्या होता है कि अलग 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 फैशन होते हैं, एक तरह से स्त्रियों के फैशन पुरुषों के फैशन से और ज़्यादा होते। तो वुमेन हैव मच मोर लाइसेंस टू वियर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस। तो जो पुरुष होते हैं, अभी पुरुष अगर ऑफिस में जाते हैं तो ज़्यादा वैरायटी का ड्रेसेस नहीं होता है उनका। तो वो भक्त बताए थे कि मुझे पहले धोती देखा तो मुझे लगा ये तो एक जायंट डायपर है। तो क्या है कि वो जो ये कल्चरल एस्पेक्ट था उनके लिए ये एक तरह से काउंटर कल्चर के लोगों के लिए बड़ा आकर्षक हो गया कि जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम ऐसा कर रहे हैं, हम कुछ रिमार्केबल कर रहे हैं। और कीर्तन तो लोग उनको अच्छा लगता था म्यूजिक, पर स्वामी जी बोले चलो रस्तों पे जाके कीर्तन करते, वो तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गया। और फिर उनके लिए सबसे लोकप्रिय था रथ यात्रा था। जो हिप्पी लोग हुआ करते थे उनका क्या था, जो रूल्स को तोड़ो, द ओनली रूल शुड बी दैट देयर शुड बी नो रूल, कि एक ही नियम है कि कोई भी नियम नहीं होना चाहिए। तो नियमों को तोड़ने का उनका बड़ा उत्साह था। तो अभी रास्ते पे अगर वो नाचते तो पुलिस आके उनको गिरफ्तार करते थे। पर प्रभुपाद जी रथ यात्रा बनाई और अभी वो रास्ते पे नाच रहे और पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रहे। तो फिर प्रभुपाद जी का ये पूरा ब्रिलियंस था जिसके द्वारा वो लोगों को आकर्षित कर पाए। तो और प्रभुपाद जी भगवान का ही संदेश दे रहे थे, पर वो भगवान का संदेश देश काल पात्र के अनुसार बड़ी दक्षता से दे रहे थे। जिस प्रकार से वो उसको एम्फसाइज कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे, बराबर वो लोगों को आकर्षित कर रहे थे। और फिर जैसे प्रभुपाद जी ने देखा कि जो अभी काउंटर कल्चर कम हो रहा है, उसका प्रभाव कम हो रहा है, तो प्रभुपाद जी ने फैसला किया कि अभी मैं इंडिया में फोकस करूंगा। तो 1970s के बाद तभी हम आखिरी थर्ड फेज पे आ रहे हैं। तो दूसरे फेज में कैसे कि कैसे कृष्ण प्रभुपाद जी के लिए एक स्टेज सेटअप कर रहे थे। प्रभुपाद जी को पता नहीं था, प्रभुपाद जी अपना प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने बुद्धि से देखा ये किस प्रकार का स्टेज है, और उस प्रकार से वो नृत्य उन्होंने वहाँ पे शुरू किया। पर बाद में प्रभुपाद जी भारत में आए और भी भारत में प्रभुपाद जी जीवन भर रहे हैं। प्रभुपाद जी को भारत किस प्रकार का स्टेज है ये पता है। तो अभी ऐसे नहीं है कि 1960s और 1970s में एकाएक भारत में बहुत परिवर्तन हो गया। अगर आप देखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भारतीय लोग आ रहे हैं, प्रभुपाद जी का 1972 में लेक्चर है कि दिस मूवमेंट हैज कम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम प्रैक्टिकली द ओनली इंडियन इन दिस मूवमेंट, कि ये भारत से आया है, मैं लगभग अकेला भारतीय हूँ यहाँ पे। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को देखते हैं तो वास्तव में जो अभी ये फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअलिटी जो है, जो प्रेजेंटेशन है, वो लगभग लेट 1980s और 1990 से इसका फैलना हो गया है। वो जयप्रकाश महाराज बंगाल में हो, गोपाल कृष्ण महाराज दिल्ली में हो, राधानाथ महाराज बॉम्बे के एरिया में हो, वो सब जो प्रचार है वो 1980s, लेट 1980s, 1990 से चालू हो गया। वो तब से वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो क्या है कि जो थोड़ा आर्थिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से लोग एक 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 लेवल पे होते हैं तो उनको फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअलिटी समझ में आता है, नहीं तो समझ भी नहीं आता है इतना आसानी से। तो ऐसे नहीं था कि 10 साल में प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका में 70 में वापस आ गए तो भारत परिवर्तित हो गया था। भारत अभी तक वैसे ही था। तो प्रभुपाद जी ने जब भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया उन्होंने? प्रभुपाद जी ने जो अभी भारत एक स्टेज है, तो इस स्टेज पे प्रभुपाद जी ने अभी नृत्य कर रहे हैं, अपने शिष्यों को नृत्य करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्टिव है, वो क्या था प्राइमरीली कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म मतलब क्या है कि भारत से प्रभुपाद जी के पहले भी अनेक गुरु, अनेक नहीं कई गुरु गए थे जो पाश्चात्य देशों में गए थे, उन्होंने प्रचार किया था, उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ हद तक उन्होंने उनको एप्रिसिएशन मिला था, उनके कुछ शिष्य भी बने थे, भारत में आए थे। पर उनमें से प्रभुपाद जी के पहले के जो गुरु गए थे उन्होंने सबने केवल एक बौद्धिक स्तर पे फिलोसॉफिकल एप्रिसिएशन ऑफ वेदांता वो लाया था, उन्होंने कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास नहीं किया था। एक सांस्कृतिक रूप पे पाश्चात्य देशों को भारतीय संस्कृति लेना है ये उन्होंने नहीं किया था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी गए, जब उन्होंने अपने शिष्यों को यूके भेजा था, इंग्लैंड भेजा था, तो उनके शिष्य भी शर्ट पैंट पहन के गए थे और वो वहाँ पे जब प्रवचन दिया करते थे शर्ट पैंट में दिया करते थे। पर प्रभुपाद जी ये पहले गुरु है जो पाश्चात्य देशों में केवल फिलोसॉफिकल टीचिंग के लिए नहीं गए, वो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गए थे। और जब वो भारत में आए प्रभुपाद जी अपने पाश्चात्य शिष्यों को लेकर, तो तभी क्या आकर्षक था लोगों के लिए, न केवल ये स्वामी जी अमेरिका गए हैं पर ये जो स्वामी जी के शिष्य है ये पाश्चात्य देश के लोग हैं, ये धोती कुर्ता पहन रहे हैं, ये साड़ी पहन रहे हैं, ये कीर्तन कर रहे हैं। कोई पाश्चात्य देश का व्यक्ति किसी कॉन्फ्रेंस में बैठ के अगर कोई लेक्चर देता है तो ठीक है, पाश्चात्य देश को हमारे भारतीय संस्कृति के, हमारे भारतीय आध्यात्मिक फिलॉसफी के बारे में कुछ बोल रहा है। पर जो कल्चरल इम्पैक्ट था कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का वो ड्रामेटिक था, वो ऐसा था एक तरह से सनसना फैल गया पूरा भारत में। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक प्रभुपाद जी ने एक सत्संग किया था बॉम्बे में, बड़ा सत्संग क्रॉस मैदान में, तो तभी टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आया था। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बोलता है कि ये पाश्चात्य देशों के लोगों ने हम पर 200 साल तक अभी रूल किया है, पर अभी ये हमारी संस्कृति स्वीकार कर रहे हैं। सो दिस इज इंडियाज कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वेस्ट। तो इस तरह से क्या हुआ है कि प्रभुपाद जी ने जो भारतीय लोगों को अभी तक फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअलिटी जो है तत्व ज्ञान के स्तर पे आध्यात्म वो समझने की तैयारी नहीं थी, तो अचानक वो तैयारी आ जाएगी। प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो जो कल्चरल प्राइड था, जो सांस्कृतिक अहंकार नहीं गर्व कह सकते हैं जो था, उसको इस्तेमाल किया। और उसको इस्तेमाल करके प्रभुपाद जी के बहुत बहुत लाइफ मेंबर्स बन गए। इनफैक्ट तभी मुझे गिरिराज महाराज एक पिक्चर दिखा रहे थे, वो अपनी किताब में डालने वाले थे पर उन्होंने डाला नहीं। देखिए वो एक व्यक्ति के घर में गए थे, अभी वो तभी लाइफ मेंबर बन रहे थे लोग, तो तभी क्योंकि इस्कॉन के परदेशी भक्त थे तो इस्कॉन का लाइफ मेंबर बनना इतना आदर का बात था कि एक लॉयर था उसने अपने नेम प्लेट पे लिखा था LLB इस्कॉन लाइफ मेंबर। तो क्या किया, भले ही लोग अभी बहुत गंभीर रूप से साधना करने के लिए तत्वज्ञान के आधार पर साधना करने के तैयार नहीं थे, पर प्रभुपाद जी ने उनको ठुकरा नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने उनको एंगेज किया। और क्या किया, क्योंकि ये कल्चरल प्लान था सांस्कृतिक रूप पे भारतीय लोगों को इम्प्रेस करना है, आकर्षित करना है, तो प्रभुपाद जी ने फैसला बनाया कि हम भारत में बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे। तो जूहू में उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने हैदराबाद में मंदिर चालू किया था, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर हुआ, मायापुर में बड़ा प्रोजेक्ट था। मायापुर में तो प्रभुपाद जी का विजन इतना था, उनका एक तरह से आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा इतनी थी, वो अपने पाश्चात्य देशों के शिष्यों को लेके गए और वहाँ पे प्रभुपाद जी एक ऐसे जगह थी जो चारों ओर ओवरग्रोन शुगर केन फील्ड्स, गन्ने का खेती था, उसके बीच में प्रभुपाद जी अपने वॉकिंग स्टिक खड़े के लगाई और दिस विल बी आवर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर होगा। और तमाल कृष्ण महाराज बोलते वो उनके साथ थे, बोले थे यहाँ पे देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे एक भारतीय राष्ट्रीय भी हमको नहीं दिख रहा है। पर प्रभुपाद जी की एक दिव्य दृष्टि थी जिससे कि वो ये समझ सकते थे कि यहाँ पे महाप्रभु की भूमि है, वहाँ पे जरूर बहुत कुछ होगा। अभी मायापुर में बहुत सुंदर पूरा प्रोजेक्ट हो गया, अभी प्लानिटेरियम आ रहा है, भव्य एक आध्यात्मिक समुदाय वहाँ पे बन गया है। पर पॉइंट यह है कि प्रभुपाद जी के समय में दो प्रकार के उनके फॉलोअर्स थे। दो पॉइंट्स के साथ मैं अंत करूंगा अभी कि प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे वो उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभुपाद जी के लिए त्याग दिया था, और भारत में उनके लाइफ मेंबर्स थे। जो लाइफ मेंबर्स थे वो उनका अपना गृहस्थ जीवन था, उनका अपना शायद उनके पहले का आध्यात्मिक मार्ग भी था कुछ, उनके अपने गुरु भी थे पहले से, पर वो क्या होते कि स्वामी जी ये प्रभुपाद जी बहुत स्पेशल है, उन्होंने परदेशी लोगों को भक्त बनाया, तो वो उनको मदद कर रहे थे। तो अभी इन दोनों को इस्तेमाल करके इस्तेमाल एंगेज करके सेवा देकर प्रभुपाद जी ने भव्य मंदिर बनाए। और उस समय अभी तो आप वृंदावन में जाओगे बड़े बहुत बड़े बड़े मंदिर है, पर उस समय जो हमारा राधा रमन जो हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है वो बहुत ही दिव्य बहुत ही आकर्षक मंदिर था उस समय। और एक्चुअली जो अभी भारतीय लोग हिंदू लोग कह सकते हैं जो बड़ा मंदिर बनाने का जो अभी एक कल्चरल ट्रेंड हो गया है वो पहले से था, पर इन मेनी वेज इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्रता के बाद भारत में एक बड़े मात्रा में ये करना ये प्रभुपाद जी ने चालू किया है। अभी प्रभुपाद जी वाज द पायनियर इन दैट। अभी तो प्रभुपाद जी को भारत में बहुत यश मिला, बहुत हजारों लाखों के लोगों मात्रा में लोग लाइफ मेंबर बन गए, सपोर्ट करने लग गए। और प्रभुपाद जी अमेरिका भी पाश्चात्य देश जाया करते थे, प्रचार करके वापस आया करते थे। और फिर अभी प्रभुपाद जी की लेगेसी जो है उनके बाद में जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे चल रहा है वो बोल के हम अंत करेंगे। अभी प्रभुपाद जी जब 1977 में उनको काफ़ी समय तक बीमारी थी, और अभी प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ किया है कृष्ण के लिए। अभी क्या होता है कि हम जब कुछ सेवा करते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि सेवा का फल भी मिल जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी एक तरह से अपेक्षा थी उससे ज़्यादा मुझे यश मिला है। सारे विश्व भर में आखिरी 11 सालों में प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, 70 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे, 14 बार वो विश्व का परिक्रमा की उन्होंने, और लाखों की मात्रा में लोगों को भक्ति की ओर प्रेरित किया है। हजारों हजारों लोग भक्त बने और प्रभुपाद जी को बहुत यश मिला। पर हम देखेंगे कि दो चीज़ें हैं। प्रभुपाद जी के प्रोजेक्ट्स थे, दो प्रधान प्रोजेक्ट्स थे एक तरह से, एक है जूहू मंदिर और दूसरा है भागवतम ट्रांसलेशन कमेंट्री। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये भागवतम ट्रांसलेशन का है वो उनका सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, और जूहू मंदिर के लिए उन्हें बहुत संघर्ष किया। और एक तरह से देखेंगे तो दोनों की पूर्ति प्रभुपाद जी नहीं देख पाए। जूहू मंदिर तो प्रभुपाद जी नवंबर में जगत छोड़ के चले गए, और फरवरी मार्च में अगले साल ही वो मंदिर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य है कि प्रभुपाद जी वो मंदिर नहीं देख पाए। नहीं, वो बाह्य दृष्टि है। प्रभुपाद जी को जब वो उनका अंतिम समय आ गया था तो उनके एक लाइफ मेंबर थे, उनके करीब थे, उन्होंने उनको पूछा, स्वामी जी आपकी कुछ आखिरी इच्छा है? तो प्रभुपाद जी बोले, कुछ इच्छा नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद जी भगवान की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थे, पर फिर भी प्रभुपाद जानते थे कि भगवान की योजना है। तो कैसे है भगवान की सेवा जो है, डिवोशनल सर्विस जो है, ये एक तरह से एक रिले रेस के समान है। आप रिले रेस जानते हैं, मतलब क्या होता है, उसमें कोई व्यक्ति होता है वो एक टॉर्च लेता है, और जो टॉर्च है वो एक व्यक्ति कुछ अंतर तक ले जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति कुछ अंतर तक ले जाता है, तीसरा व्यक्ति कुछ अंतर तक ले जाता है। और जो एक व्यक्ति दौड़ रहा है वो जब दौड़ रहा है पूरे ध्यान पूर्वक वो अपने टॉर्च को लेके जाता है, पर उसके बाद में जब अगला व्यक्ति आता है तो वो उस अगले व्यक्ति को टॉर्च देता है। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर ने बंगाल में प्रचार किया, भक्तिसांस ठाकुर ने भारत में प्रचार किया, आपने सारे विश्व भर में प्रचार किया, तो आप उन सबसे महान हो। प्रभुपाद जी बहुत गंभीर हो गए, कहने लगे, कभी ऐसे मत सोचो, केवल उनकी कृपा से मैं ऐसे कर पाया हूँ। अगर कोई संतान अपने माता पिता से और बड़ा बन जाता है तो वो माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही है और माता पिता उनको उसे और प्रसन्नता होती है। तो प्रभुपाद जी समझते थे कि ये जो कृष्ण भावना का आंदोलन है, ये भगवान का जो मिशन है, वो उनसे भी बड़ा है। उनके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका थी, जो उन्होंने किया वो विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। पर वो उनकी जो भूमिका जब उनको समझ में अब ये ख़त्म हो रहा है, तो प्रभुपाद जी चिंता में नहीं थे, अरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। प्रभुपाद जी कृष्ण भावना सिखाने को आए थे, तो अंत में भी वो कृष्ण भावना सिखाते हुए ही इस जगत से चले गए। वो कीर्तन सुन रहे थे, अंतिम समय तक वो भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे, कमेंट्री दे रहे थे, और कोई उदासता नहीं दिखा, अरे ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ। संतुष्टि के साथ प्रभुपाद जी चले गए। प्रभुपाद जी का विश्वास था कि जिस कृष्ण भगवान ने उनको शक्ति दी है यह आंदोलन बढ़ाने के लिए, वो कृष्ण भगवान अगले पीढ़ियों में दूसरों को भी शक्ति देंगे। उनको तत्पर बनना है, उनको शुद्ध बनना है, उनको सेवा भाव लाना है, पर ये कृष्ण का आंदोलन है। उस विश्वास के साथ प्रभुपाद जी, जो मैं कल बताया था क्लास में, होल्ड आवर प्लान्स लाइटली, होल्ड आवर लॉर्ड टाइटली, कि हमें भगवान को तीव्रता से पकड़ना है, हमारी जो योजना है उसको इतनी तीव्रता से नहीं पकड़ना है। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया जूहू मंदिर बनाने के लिए, भागवतम ट्रांसलेट करने के लिए, पर अगर वो भगवान की योजना नहीं है, तो हिज अटैचमेंट टू कृष्णा वॉज मोर, कृष्ण की आसक्ति जो थी उनकी और ज़्यादा थी। तो अभी जब प्रभुपाद जी के बाद 1970 से अभी अगर आप धार्मिक संस्थाओं के बारे में कोई भी संस्था के बारे में देखते हैं जिसका ऐसे जो एक बहुत ही प्रभावशाली लीडर है, उसकी प्रेरणा से वो संस्था चालू होती है, तो लगभग उस व्यक्ति के जाने के 20-30 साल के बाद वो संस्था टूट जाती है। क्योंकि क्या है, वो व्यक्ति प्रेरणा था, वो व्यक्ति केंद्र था, वो चले गया तो उसका नहीं रहता है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समस्या आई थी और प्रभुपाद जी के समय भी समस्या थी, पर न केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन इट्स सर्वाइविंग बट इट्स ऑल्सो थ्राइविंग, ये बढ़ रहा है, सारे विश्व भर में बढ़ रहा है। अभी दो प्रसंग कैसे मैं बताऊँ कि कैसे प्रभावशाली हो रहा है। अभी मैं यूके में था, लंदन में, तो लंदन में अभी हिंदू कम्युनिटी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, उसमें हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। वी आर लाइक द वॉइस ऑफ हिंदुइज्म देयर। तो जब भी कोई ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो वो या तो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले या बनने के बाद वो ज़रूर हमारे मैनर मंदिर में आता है। और अभी जो स्टर्मर जो है उसका ब्रिटेन का प्रीमियर है, तो वो अभी तक नहीं आए, पर उसके पहले वो आए थे प्रीमियर बनने के पहले। तो हमारी जो वहाँ पर प्रेजिडेंट विशाखा माता जो बता रही थी कि वो जो है वो बहुत साल पहले उनको किसी ने रास्ते में उनको बुक दिया और हायर टेस्ट, और वो बुक देख मिलकर वो भक्त नहीं बने, पर उससे क्या है, वो और उनका पूरा परिवार वेजिटेरियन बन गया। और अभी अमेरिका में पाश्चात्य देशों में मैं एक जोक देख रहा था, एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा, आर यू वेजिटेरियन, आर यू क्रेजी, आई एम ब्रिटिश। मतलब क्या, अगर आप ब्रिटिश है तो आप वेजिटेरियन हो ही नहीं सकते, ऐसा भाव था। तो अभी वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, प्रभुपाद जी के आंदोलन का जो प्रभाव है, वो एक विजिबल और इनविजिबल स्तर पे बहुत हो रहा है। और ख़ास करके जो प्रभुपाद जी ने भारत में समय दिया है, अभी भारत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन काफ़ी प्रभावशाली बन गई है। अभी अलग अलग जगह पे न केवल हमारे मंदिर बढ़ रहे हैं, अभी रथ यात्रा हुई थी इस कुछ समय में, तो दिल्ली में गुड़गांव नाम की जगह, वहाँ पे बहुत सॉफ्टवेयर के लोग रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वो वेयर सॉफ्ट होता है पर माइंड हार्ड हो जाता है। दिमाग में बहुत टेंशन आता है। तो वहाँ पे गुड़गांव में ज़्यादा बड़ा लोकेलिटी, अच्छा लोकेलिटी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ पे हमारे भक्तों ने 15 रथ यात्रा की। वहाँ पे एक ही मंदिर है पर 15 रथ यात्रा की अलग अलग कम्युनिटी में। और अभी मैं हैदराबाद में गच्चीपोली नाम की जगह है, वहाँ पे भक्तों ने 21 रथ यात्रा की। और अभी वहाँ पे जो लोग इतने, और 21 रथ यात्राओं में लगभग 16 रथ यात्राओं में एक एडल्ट की रथ यात्रा थी, और 15 जगहों पे बच्चों की सेपरेट रथ यात्रा थी। तो पूरे बच्चे चला रहे थे और वो बोले थे कि वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया बच्चों की रथ यात्रा को ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ कि वो स्पेशल था। तो अभी वो बताया कि अगले कुछ सालों में वो 108 रथ यात्रा करना चाहते हैं और बहुत से लोग आए और वो कहते हैं कि वो आरएसएस से हो, वीएचपी से हो या इस हिंदुस्तान से कि और कोई ऐसे सोसाइटीज़ होते हैं, कम्युनिटीज होते हैं, हमें यहाँ पे भी रथ यात्रा करना है। तो अभी जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैल रहा है वो प्रभुपाद जी की कृपा से अभी अनेक अनेक पद्धतियों में भक्त प्रेरणा ले रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिव्स ऑन, प्रभुपाद जो है वो अभी तक हम सब के साथ है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि उनके गुरुदेव का जो इनहेरिटेंस, जो वारिस है, जो जायदाद है जो उनको मिली है, आई हैव इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो अभी लेगेसी क्या है? एक तरह से गौड़िया मठ तो बड़ी संस्था थी, 64 मंदिर थे। प्रभुपाद जी को किसी भी मंदिर के प्रेसिडेंट नहीं बनाया था, प्रभुपाद जी को एक शिष्य नहीं मिला, प्रभुपाद जी कुछ आर्थिक सपोर्ट नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते, मुझे मेरे गुरुदेव की लेगेसी मिली है। तो जो गुरु परंपरा से जो लेगेसी होती है, जो हमें वारिस में मिलता है, वो प्रधान क्या है? इट इज़ द डिज़ायर टू ग्लोरीफाई कृष्णा। तो प्रभुपाद जी से अगर हमें कुछ भेंट चाहिए क्या है कि कृष्ण का गुणगान करें। वो कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण का गुणगान फैलाना, अगर वो इच्छा मिल जाएगी। प्रभुपाद जी में वो इच्छा बहुत ज्वलन थी, इतनी ज्वलन थी कि बुढ़ापे में वो इच्छा के कारण प्रभुपाद जी अमेरिका गए। वो इच्छा इतनी तेज थी कि प्रभुपाद जी दिन भर जो लोग उनसे मिलने आते थे उनसे कृष्ण के बारे में बोलते थे और लगभग रात भर जो लोग उनसे मिलने नहीं आए हैं उनसे वो कृष्ण के बारे में बोलते थे अपने ग्रंथ लिखकर। तो जो हमें गुरु परंपरा में जो भेंट मिलती है, हाँ ज़रूर हम कहते हैं भक्ति की भेंट मिलती है, आध्यात्म की भेंट मिलती है, पर प्रभुपाद जी की कृपा से एक स्पेशल भेंट है। क्या है कि इट्स द डिज़ायर टू ग्लोरीफाई कृष्णा, भगवान के गुणगान करना, भगवान के गुणगान को फैलाना। और उस इच्छा से ही बहुत सब कुछ प्रकट हो गए, 108 मंदिर प्रकट हो गए, उस इच्छा से ही 70 ग्रंथ प्रकट हो गए, उस इच्छा से ही हजारों शिष्य प्रकट हो गए, उस इच्छा से ही लाखों की मात्रा में लोग भक्ति में आ गए। और वही इच्छा प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों के माध्यम से हम सब के पास आई है। तो हम सब, हमारे सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती है, अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है, पर अगर हम ये इच्छा हमारी परिश्रम क्षमता के अनुसार लेते हैं कि मुझे भगवान का गुणगान फैलाना है, शायद मैं परिवार में हो सकता है, मेरे कम्युनिटी में हो सकता है, इस सेवा के द्वारा हो सकता है, उस सेवा के द्वारा हो सकता है। गुणगान फैलाना मतलब केवल प्रवचन करना नहीं है, किसी कुकिंग की सेवा होती है, वो अच्छा प्रसाद बनाते हैं, उससे तो भगवान का गुणगान फैल रहा है। एक्चुअली प्रचार से कभी उतना गुणगान नहीं फैलता जितना प्रसाद से फैलता है। तो लोग आते हैं मंदिर में, प्रवचन सुना तो प्रवचन भूल जाते हैं, प्रसाद अच्छा था वो नहीं भूलते वो। तो क्या है कि हम सबको अपने अपने अनुसार हम प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उनमें जो ये इच्छा थी कि भगवान का गुणगान करे, वह इच्छा, उसकी एक बूंद हमारे भी जीवन में आ जाए। वो आ जाएगी तो उससे हमारा हृदय भक्ति से संपूर्ण समृद्ध हो जाएगा और हमारे द्वारा हम दूसरों को भी ये भक्ति की समृद्धि दे सकते हैं। आवर हार्ट विल बिकम एनरिच्ड एंड वी कैन एनरिच द हार्ट्स ऑफ अदर्स। तो सारांश में आई समराइज, मैंने 3 पॉइंट पहले देखे। सबसे पहले कैसे था कि कैसे हम देख रहे थे कि प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं जगत में, पर प्रभुपाद जी कृष्ण से भी आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये जगत एक तरह से डांस फ्लोर है और उसमें प्रभुपाद जी नृत्य कर रहे हैं। तो ये उपमा देखकर हमने प्रभुपाद जी के जीवन के 3 फेजेस देखे। तो पहला फेज था जो लगभग 22 से 65 तक, मेनली 45 से 65 तक। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बिजनेस ट्राई किया, उसमें कुछ यश नहीं मिला। यहाँ पे प्रचार ट्राई किया, उसमें भी कुछ यश नहीं हुआ इतना, पर प्रभुपाद जी हताश नहीं हुए। इतना प्रयास के हताश नहीं हुए। तो प्रभुपाद जी ने क्या फैसला किया? ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या है, ये वेस्ट से इन्फैचुएशन है। तो इसीलिए मैं पाश्चात्य देशों में जाऊँगा। और फिर प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में 65 से खास करके 70 तक उनका वहीं पे एम्फोसिस था। और वहाँ पे हम देखा कि प्रभुपाद जी के लिए कृष्ण जो है वो स्टेज तैयार कर रहे थे। जो डांस स्टेज था हम देखा कैसे एक पॉलिटिकल स्तर पे प्रभुपाद जी का वीज़ा एक्सपैंड हो सका, रिलीजियस स्तर पे जो लोग थोड़े ओपन हो गए, और बहुत सबसे महत्वपूर्ण कल्चरल स्तर पे जो काउंटर कल्चर आया, जो हिप्पी लोग थे उनमें रुचि थी। और बराबर कृष्ण ने प्रभुपाद जी को उसी समय लेके गए जब वो उनमें आध्यात्मिक रुचि थी और ड्रग्स पे आसक्त जो एडिक्शन था वो उतना बढ़ा नहीं था। और फिर आखिरी फेज जो है प्रभुपाद जी का 70 से 77 तक भारत में। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो कल्चरल नेशनलिज्म है, जो सांस्कृतिक गर्व है भारतीयों का, उसको इस्तेमाल किया। और यद्यपि लोग साधक के रूप में तत्वज्ञान को समझ के भक्त नहीं बने, पर फिर भी जो है बहुत मात्रा में बड़े बड़े मंदिर हुए, बड़े बड़े प्रकल्प चालू हुए, लाखों लाखों की मात्रा में लोग प्रभावित हुए, आकर्षित हो गए। और जो आखिरी पॉइंट हम देखा कैसे प्रभुपाद जी की लेगेसी पाश्चात्य आउटसाइड इंडिया कैसे चल रही है जैसे और कैसे भारत में चल रही है। तो जो प्रभुपाद जी ने जो रिले रेस में जो टॉर्च है वो प्रभुपाद जी काफ़ी दौड़े, और जो प्रभुपाद जी ने किया वो कभी नहीं कर सकता कोई, पर जो प्रभुपाद जी ने चालू किया है वह हम सब भी स्वीकार कर सकते हैं। जो प्रभुपाद जी से हमारी जो भेंट है, जो प्रभुपाद जी को जो भेंट मिली उनके गुरु से जो हमें मिलती है वो है द डिज़ायर टू ग्लोरीफाई कृष्णा, कि भगवान का गुणगान करें, भगवान का गुणगान हम फैलाए। अगर हम वो कर पाएंगे तो हमारा हृदय भक्ति के संपत्ति से समृद्ध हो जाएगा और हम दूसरों का हृदय भी समृद्ध कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।